सो ओके गाइस, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, ट्रेन के सामने सेल्फी लेने वाले वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनवेस्ट एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। वीडियो डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपको ऑलरेडी इस वीडियो में साउंड है, तो सबसे पहले मैं इस साउंड को म्यूट कर देता हूँ। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, साउंड पे क्लिक करेंगे और साउंड को म्यूट कर देना है। तो मैं आपको एक बार वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ, ये वीडियो हमारा कुछ इस तरह से है। तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन आता है, तो सिंपली आपको 1.8 पे आना है, वीडियो क्लिप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक सिंपल कैप्चर एंड सेव फ्रेम कर लेना है। इसके बाद कैचिंग निशान पे क्लिक करना है, स्पीड टू प्ले हिट कर देना है और इसके बाद मीडिया पे आना है। जो भी कैप्चर आपने किए थे इमेज को, इस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस इमेज पे क्लिक करना है, इस क्रॉप पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं इमेज जो है आपका छोटा बड़ा हो रहा होगा, तो कुछ इस तरह से आपको जूम कर लेना है और सही से इसको एडजस्ट फ्रेम में आपको एडजस्ट कर देना है। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको इक्वल कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपका इमेज कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं आपको वीडियो को सबसे पहले एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ वीडियो को किस तरह से शूट करना है। तो देख सकते हैं वीडियो हमारा कुछ इस तरह से ग्रीन स्क्रीन में शूट किया गया है। तो आपको भी कुछ इस तरह से सेल्फी लेते हुए ग्रीन स्क्रीन के सामने वीडियो को शूट कर लेना है। इसके बाद जिस पे आप बैठे पड़े हो सिंपल उसे लेना है और साइड में आपको चले आना है। इसके बाद हाथ से इशारा करना है ट्रेन को जाने के लिए और फिर से आपको वहीं पे बैठ जाना चाहिए। इस तरह से आपको वीडियो को शूट कर लेना है। शूट करने के बाद आपको करना क्या, सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम ट्रेन को यहाँ पे रोक रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन को यहाँ पे रोक दे हैं, तो इससे आपको 1.8 सेकेंड पहले आना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है लेफ्ट साइड का, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रेन टू लेफ्ट कर देंगे, वीडियो पर प्रेस करेंगे, लास्ट पॉइंट पर आ जाना है। तो अब हमें देखना है यहाँ पे फिर से हमारा जो है स्लो तो नहीं हो रहा है। अब देख सकते हैं फिर से हमारा वीडियो अभी भी कुछ एक्स्ट्रा वीडियो देख रहा है। जो भी एक्स्ट्रा वीडियो आपको लग रहा है, तो लेफ्ट साइड का पार्ट को आपको कुछ इस तरह से रिमूव कर देना है। तो अब मैं आपको एक बार देखता हूँ, तो अब देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ पर परफेक्ट मैच हो चुका है। इसके बाद वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सिंपल क्रॉप पर क्लिक करना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको क्रॉप कर देना है कुछ इस तरह से। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद आपको क्रोमा की को रिमूव कर देना है। तो सिंपल आपको ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देना है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की पर क्लिक करेंगे, सिंपल आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देख सकते हैं आपको सही से रिमूव नहीं हुआ है, तो आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर लेना है। जो ग्रीन स्क्रीन आपका जो भी था आपको रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं लगभग हमारा जो ग्रीन स्क्रीन था रिमूव हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद डन करते हैं, वीडियो क्लिप पर क्लिक करते हैं और कुछ इस तरह से आपको जूम कर लेना है और सही से साइड में आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं अब आपको एक बार वीडियो को प्ले कर दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं वीडियो कुछ इस तरह से हमारा शूट किया गया, जैसे आया, जैसे हम साइड किए और इसके बाद जैसे हम ट्रेन को इशारा करते जाने के लिए, तो ये जो पार्ट दिख रहा है वीडियो, इसको यहीं तक का चाहिए। कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और इमेज को ट्रिम टू राइट कर देंगे। अब आपका इमेज जैसे कि हम इशारा करेंगे तो ट्रेन आगे की तरफ चलने लगेगा सिंपल। इसके बाद लास्ट का पॉइंट जो है एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो हमारा फाइनली वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसके बाद हम आपको एक बार फाइनली प्ले कर दिखाता हूँ। तो जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, हमारा वीडियो अब कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो वन डे में 7 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का भी लिंक दे चुका हूँ, सिंपल वीडियो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा वो आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो को डिलीट कर देना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलून चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।